आदिवासी इलाकों में बढ़ते ज्वेस के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। मिशन 2023 के लिए यह जरूर भी हो चुका है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस को इन इलाकों में मिली जीत के बाद सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिल गया था। वही अब आदिवासी बेल्ट में भाजपा की मजबूती के काम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जुटे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासियों को लुभाने में जुटी बीजेपी, झाबुआ से बी डी शर्मा ने किया आगाज। जयस पर वीडी शर्मा ने साधा निशाना। जयस में किसका डीएनए पहले तय करे वीडी शर्मा। दरअसल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम धर्मपुरी में शिवगंगा के संस्थापक पद्मश्री महेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान वीडी शर्मा ने जयस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ जी कहते हैं कि जयस में कांग्रेस का डीएनए है, पहले वो तय कर ले कि कांग्रेस के डीएनए से जा रहे हैं या समाज सेवी की भूमिका से जा रहे हैं। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब ये जयस को तय करना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि जयस का डीएनए तो कांग्रेस में है, तो पहले वो तय कर लें कि वो कांग्रेस के डीएनए से जा रहे हैं कि वो जो सामाजिक भूमिका निभाने का बात करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्सी है। और जनजाति समाज, ये चुनाव में जनजाति समाज ने दिखा दिया कि ये कांग्रेस का डीएनए यहाँ नहीं चलेगा, चाहे जयस हो चाहे कोई और हो। इसलिए आप एक ओर कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन है, दूसरी ओर आप राजनीति करते हैं, और तीसरी ओर आप किसी के लिए राजनीति करते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। जनजाति समाज स्वाभिमानी और ईमानदार समाज है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन पर विश्वास करता है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन है, ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। वही बैकलॉग भर्ती और पेशा एक्ट कानून पर वीडी शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों देश में 75 युवाओं को एक साथ अपॉइंटमेंट लेकर ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार देने का काम किया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 23,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। आगे भी तेजी से सरकार पैसा एक्ट कानून और बैकलॉग पदों पर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 75,000 लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम देश के अंदर किया, जिसमें से मैं भी सम्मिलित था। भोपाल के अंदर 285 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स अन्य अन्य विभागों के अंदर, विद ट्रांसपेरेंसी। ऐसे ही नहीं होने वाला है, मोदी जी का नेतृत्व है, एक एक ट्रांसपेरेंसी के साथ नियुक्तियाँ, 75,000 नियुक्तियाँ एक दिन के अंदर। और आगामी आने वाले वर्ष में हर साल 10,00,000 लोगों को अवसर देना, एक पैसा एक्ट, बैकलॉग की भर्ती। मध्य प्रदेश के अंदर भी 23,000 लोगों को अभी तक इस साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने का काम, जो शासकीय और गैर शासकीय दोनों स्थानों पर जो किया है, और ये काम भी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम गंभीरता से कर रही है। इस मौके पर वीडी शर्मा ने भाजपा जिलाध्यक्षों को हटाने की बात कर इसे चुनाव से अलग प्रक्रिया बताया और काम के आधार पर निश्चित होने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, झाबुआ।